हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेंसेस के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे तीन तरह के लेंस होते हैं, हमारा IOL इंट्राओकुलर लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है हमारा, दूसरा स्पेक्टिकल लेंस एंड कॉन्टैक्ट लेंस। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं IOL, जो क्या हम आँख के अंदर इम्प्लांट करते हैं जब पेशेंट को मोतियाबिंद होता है, चाहे वो किसी भी तरह का मोतियाबिंद हो। IOL हमारे कई तरह के आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेक्टिकल वाले लेंस, जिसमें हमारा जो जिसको हम चश्मा बोलते हैं, या जो हमारे फ्रेम में लेंस फिट किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब क्या है, पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर होता है, तभी ये लेंस हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कराते हैं, जो चश्मे में फिट किए जाते हैं। इस तरह का कुछ इनका शेप होता है, एंड शेप को फिट करने के बाद चश्मा हमारा कुछ इस तरह का बन जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिससे क्या है, पेशेंट क्लियर देख पाता है। तो यहाँ पे हमारे कई तरह के लेंसेज आते हैं हमारे स्पेक्टिकल्स में, और कुछ इस तरह के लेंसेज भी हमारे आते हैं कोटिंग वाले। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेंस मिल जाते हैं, PG भी मिल जाएगा आपका, प्रोग्रेसिव लेंस भी मिल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि आपको किस तरह का लेंस पसंद है। देन उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पर आता है, कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशली हम वैसे भी मतलब कुछ लोग क्या है, मल्टीपल कलर के कॉन्टैक्ट लेंस भी पहनते हैं, बट ये हमारा रिफ्रैक्टिव एरर के लिए भी पहना जाता है। पेशेंट मायोपिक है, हाइपरमेट्रोपिक है, या फिर उसको एस्टिगमैटिज्म हो गया, तो इसमें भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। कुछ लोग इसको शो के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि आइज़ हमारी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे एक लिक्विड में प्रॉपर रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। काफ़ी बार पेशेंट कंफ्यूज होता है कि पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपके लेंस लगेगा, लेंस लगेगा, दैट मींस भाई उसको क्लियर करना है कि आपको किस तरह का लेंस लगेगा, मींस कॉन्टैक्ट लेंस, IOL या स्पेक्टिकल लेंस। थैंक यू सो मच फॉर द